अगर आप अपने नॉर्मल फ़ोटो को लाइटरूम ऐप में कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं आईफोन जैसा, तो चलिए आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी इस फ़ोटो को इस तरह कैसे बनाया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। लाइटरूम ऐप को ओपन करने के बाद आपने अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, जो सी आपने फ़ोटो को एडिट करना है। तो मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से मेरी फ़ोटो हो गई है सिलेक्ट। तो यहाँ पर एडिटिंग वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, सबसे पहले लाइट को एडजस्टमेंट कर लूँगा, इसका एक्सप्लोरर जो इसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हाईलाइट को माइनस करेंगे, नीचे शेडो आ जाएगा, शेडो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद वाइट को प्लस 10, ब्लैक को माइनस में कर देंगे। सेकंड जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पे, इसकी जो वाइब्रेंस है इसको थोड़ा सा प्लस कर देते हैं 10। मिक्स टूल भी आएंगे, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे जिस तरह का आप अपने बैकग्राउंड में बनाना चाहते हैं, कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कलर होता है ये होता है माय लिप्स का कलर, इसका थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगा, ल्यूमिनस को थोड़ा काम कर लूँगा। देख सकते हैं मैंने लिप्स का कलर बढ़ाया, तो रेड कलर है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो सेकंड जाएंगे ऑरेंज कलर पर, ये होता है हमारे स्क्रीन टोन का कलर। अगर ज़्यादा आपके चेहरे पर ब्राइटनेस तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ी ज़्यादा कर लूँगा, सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर लूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा ग्रीन कलर पर, ग्रीन कलर पर आने के बाद इसकी सैचुरेशन को प्लस करूँगा और ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर लूँगा और इसकी ल्यूमिनस को थोड़ा सा माइनस करेंगे। उसके बाद जाएंगे येलो कलर में, येलो कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ल्यूमिनस को कम कर देंगे, सॉरी ह्यू को थोड़ा सा कम कर देंगे, ल्यूमिनस को थोड़ा सा कम करेंगे। इतना करने के बाद जाएंगे ब्लू कलर में, ब्लू कलर में आने के बाद इसकी जो सैचुरेशन है इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ से करेंगे डन, डन करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आएँगे, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, डीएस को भी थोड़ा सा प्लस कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम जाएंगे मास्किंग पे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूँगा, मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में लाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसे थोड़ा सी कम करूँगा, डार्क करूँगा, ताकि हमारी जो पिक्चर है अच्छी क्वालिटी में नज़र आए। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है सिलेक्ट हो चुका है। लाइट वाले ऑप्शन पर आएँगे, एक्सप्लोरर को थोड़ा सा माइनस करेंगे, हाईलाइट को भी माइनस करेंगे, ब्लैक को माइनस 8 कर देंगे, इफेक्ट पे आके डीएस को भी प्लस कर देंगे थोड़ा सा। इतना करने के बाद यहाँ से करेंगे डन, डन करने के बाद, डन करने के बाद दोबारा जाएंगे मास्किंग पे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे सिलेक्ट लीनियर ग्रेडियंट, अपने जो शूज़ के नीचे वाला थोड़ा हिस्सा इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा, लाइट पे आऊँगा, हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस करूँगा, एक्सप्लोर को थोड़ा सा माइनस करूँगा, ब्लैक को भी माइनस में लेके जाऊँगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आके इसकी डीएस को भी थोड़ा सा प्लस कर दूँगा। यहाँ से करेंगे डन, डन करने के बाद दोबारा से मास्किंग पे जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट स्काई करेंगे, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो स्काई इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसका स्काई थोड़ा सा चेंज करूँगा। लाइट वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसका एक्सप्लोरर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बढ़ाने के बाद शैडो हाईलाइट को भी बढ़ा दूँगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आके डीएस को भी थोड़ा सा माइनस करूँगा। कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देख सकते हैं आप हमारी जो गोल्डन लाइट है वो इफेक्ट आ गया चुका है, हमारी जो बैकग्राउंड में स्काई है। यहाँ से मैं येलो को सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे डन। देख सकते हैं आप हमारा बिफोर आफ्टर आईफोन जैसी हमारी लुक आ गई हमारी पिक्चर में। इतना करने के बाद यहाँ पे हमारी पिक्चर हो जाएगी फाइनल, देख सकते हैं आप हमारा बिफोर आफ्टर। तो आप भी अगर अपनी नॉर्मल फ़ोटो को आईफोन जैसा बनाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।